myself Chaman Kumar Singh, and today we are going to study history chapter 2, that is from hunting, gathering to growing food. Student, this is our part 5th video of this chapter and final video. And today we shall clear the next topic, that is a closer look, living and dying in Myanmar. Student, if you will see, in this topic we try to know how did the people of Myanmar look after their people after death, or how did they survive their life. If you see the location of Myanmar, it is located near Bolan Pass, which is a fertile plain, and it is also the route to Iran. Yani, जो आपका लोकेशन है मैं करता ये बोरन पास. स्टूडेंट, बोरन पास इज अ काइंड ऑफ पास विच इज लोकेटेड इन एट प्रेजेंट इन बलूचिस्तान इन वेस्टर्न पाकिस्तान. अर्थात बोरन पास जो है वर्तमान में बलूचिस्तान जो राज्य है, पाकिस्तान का इलाका है, पश्चिम पाकिस्तान का, वहाँ पर ये स्थित है और ये फर्टाइल प्लेन है. मरने के बाद भी जीवन होता है, यानी हमारा जो शरीर है, जब हम
इस धरती पर जीवित रहते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे मरने के बाद भी हमारा जीवन एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है, वहां पर जीवन होता है। सो दे पे रिस्पेक्ट टू देयर डेड पीपल, फॉर एग्जाम्पल ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट, और इस क्रम में वह ब्यूरियल यानी कब्रिस्तानों की अच्छे से देखभाल करते थे। देयर वेर मेनी ब्यूरियल साइट्स वर फाउंड इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ में बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान या कब्र मिले हैं जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू नो दैट द डेड पर्सन वाज ब्यूरीड विद गोट्स। सोचिए यहाँ मेहरगढ़ में जो जब कोई व्यक्ति किसी के परिवार का व्यक्ति मर जाता था तो उस व्यक्ति के कब्र के साथ जब उसको दफनाया जाता था तो उसके साथ बकरियों को दफनाया जाता था या अन्य जो खाद्य सामग्रियाँ थी या अन्य जरूरत की चीज़ें दफनाई जाती थी, जिससे कि जब वो दूसरी दुनिया में प्रवेश करे यानी यहाँ से मरने के बाद जब दूसरी दुनिया में जाए तो उसके पास ये चीज़ें रहेंगी जो उसे स्वर्ग के भोजन के रूप में या उसे अन्य दूसरे रूप में उसकी मदद करेंगी। सो स्टूडेंट दिस इज द टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एल्सवेयर। स्टूडेंट एल्सवेयर यानी अन्यत्र, इसमें हम दुनिया के कुछ अलग क्षेत्रों के बारे में जानेंगे जो स्टोन एज में वहाँ पर क्या चेंजेस हुए या क्या वहाँ पर चीज़ें पाई गई उसके बारे में। अब केव पेंटिंग, केव पेंटिंग्स इन फ्रांस, अगर बात करें हम केव पेंटिंग फ्रांस की, इफ यू सी द एटलस यू विल फाइंड द मैप ऑफ फ्रांस कंट्री इन यूरोप। अगर आप देखेंगे फ्रांस में केव पेंटिंग से एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इफ यू सी ऑन द बोर्ड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केव पेंटिंग इन फ्रांस, फ्रांस का ये एक केव पेंटिंग का एग्जाम्पल है जो कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। स्टूडेंट दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय फोर स्कूल स्टूडेंट्स मोर देन 100 ईयर्स अगो, अर्थात ये जो साइट है ये जो केव पेंटिंग है इस केव साइट को अर्थात इस गुफा को लगभग सैकड़ों साल पहले 100 साल से 150 साल से पहले चार स्कूल के छात्रों द्वारा खोजा गया था। एंड अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस पेंटिंग्स वर मेड बिटवीन 20,000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स अगो, अर्थात पुरातत्व वैज्ञानिकों की खोजों के अनुसार ये जो पेंटिंग्स हैं जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हो ये 20,000 से 10,000 साल के बीच में बनी हुई है। एंड इन विच यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस ऑफ एनिमल्स लाइक हॉर्सेस यानी घोड़े की इमेज, ऑरोस अ काइंड ऑफ वाइल्ड कैटल एक प्रकार के जंगली पशु, बाइसन्स जंगली सांड या जंगली बैल, वूली राइनोसेरस अर्थात रोएदार गेंडे, रेडियर एंड बियर अर्थात बारहसिंगे हिरन और भालू वगैरह जानवर आपको इस गुफा पेंटिंग में देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट दिस पेंटिंग्स वर मेड अप इन ब्राइट कलर्स, इन पेंटिंग्स को चमकीले रंगों में बनाया गया है, आप देख सकते हो कितने छोटे रंग है। सोचिए कि 20,000 से 10,000 साल पहले की पेंटिंग है और आज भी इसकी चमक बनी हुई है। नाउ द कलर्स विच वर यूज टू मेड सच पेंटिंग्स, अर्थात इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया था, विच वर मेड अप फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओकर, यानी ये जो पेंटिंग बनी थी ये विभिन्न प्रकार के रंग खालिज रंगों से बनी हुई है यानी खालिज पदार्थों से बनी हुई है, जैसे कि ओकर। स्टूडेंट ओकर एक प्रकार का लौह अयस्क है, आयरन ओर बोलते हैं, लौह अयस्क है जिसमें लौह पाया जाता है, आयरन चारकोल और लकड़ी कोयले से इन पेंटिंग्स को बनाया गया था, लौह अयस्क या लकड़ी के कोयले से इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। एंड स्टूडेंट दिस वर डन इन स्पेशल ओकेजंस और रिचुअल्स, ऐसा माना जाता है इस प्रकार की पेंटिंग्स को वहाँ के लोग जो उस समय के अर्लीस्ट पीपल थे वो स्पेशल ओकेजंस पे यानी किसी विशेष अवसर पे या किसी विशेष रिचुअल्स नीति रिवाज के समय बनाते थे, प्रोबेबली ड्यूरिंग देयर हंट और ड्यूरिंग हंटिंग बिफोर द प्रे था
site. Students are using thick site to new stone age site का नव पाषाण काल के स्थलों के बारे में जानेंगे. If you see the atlas and find another country in the world, that is Turkey. It is also known as Turkey. अगर आप देखेंगे Turkey को तो in Turkey Cutter Hugh is the most famous neolithic site. अगर आप Turkey को देखेंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध नव पाषाण काल का स्थल मिला है जिसका नाम है Cutter Hugh. And several things were found here which were brought from great distances. और Cutter Hugh में जो चीजें पाई गई हैं वो लंबी दूरियों से या बहुत दूर से लाई गई थी यहाँ पर, जैसे कि फ्लिंट फ्रॉम सीरिया. अगर बात करें फ्लिंट की, स्टूडेंट फ्लिंट इज नोन एज ब्राइट स्टोन, अर्थात ये फ्लिंट को हम लोग चकमक पत्थर के नाम से जानते हैं, जिससे चिंगारी निकलती है, जिससे आग जलाने काम को अनलिस्टेबल कर देते हैं. फ्लिंट जो है वो सीरिया से लाई गई थी, यानी जिसको चकमक पत्थर बोलते हैं, जिसको आग जलाने काम किया जाता है. नाउ कौड़ी फ्रॉम रेड सी, इसके अलावा लाल सागर से कौड़ी लाई गई है. स्टूडेंट कौड़ी का इस्तेमाल वो लोग विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने में या अन्य दूसरी चीज़ों में, काउंटिंग वगैरह करने में इन कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे. आप फिगर में देख पा सकते हैं कौड़ी के आभूषण जो उस समय के अनुसार उनको पहनते थे या अन्य इस्तेमाल करते थे. स्टूडेंट दे आल्सो फाउंड शेल्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी, इसके अलावा वो विभिन्न प्रकार की सीपियां और शंख भी मेडिटेरेनियन सी से भूमध्य सागर से लाते थे. एंड दे यूज इन देयर सेटलमेंट्स, और अपने निवास स्थल पे इन चीजों का वो इस्तेमाल करते थे. नाउ स्टूडेंट रिमेंबर देयर वर नो कार्स एट दैट टाइम, याद रखिएगा उस जमाने में कोई बैलगाड़ी या कोई गाड़ी नहीं होती थी. सो प्रोबेबली मोस्ट थिंग्स कुड हैव बीन कैरिड ऑन बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल्स और बाय पीपल. तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः ये सभी चीजें या तो उनके द्वारा पाले गए जानवरों के ऊपर लाद करके लाई जाती थी या लोगों के द्वारा ये ढो करके लाई जाती थी, जैसा कि जानवर से पता चलता है. सो स्टूडेंट दिस इज द लेसन एंड द टॉपिक फॉर टुडे, एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेसन ऑल्सो. इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क और कमेंट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. टिल स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, वेरी गुड नाइट.